असम में तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा भारी, 14 लोग गिरफ्तार। जालंधर में गन्ना किसानों के प्रदर्शन के चलते 50 ट्रेनें रद्द, कई के रूट डायवर्ट। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जैश के तीन आतंकी ढेर। काबुल एयरपोर्ट पर 150 भारतीय सुरक्षित तालिबानियों ने पासपोर्ट चेक करने के बाद छोड़ा। देश में 24 घंटे में आए 34,000 नए मामले, 375 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर उत्तर प्रदेश की खास खबर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में महिलाओं बेटियों के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस मिशन का आगाज किया। मिशन शक्ति का तीसरा चरण महिलाओं को रोजगार और मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वावलंबी, सुरक्षित व सशक्त नारी नए उत्तर देश की नींव है। हम इस नींव को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू कर रहे हैं। जालौन में पिछले कुछ दिनों पहले समीपवर्ती नदियों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन अब नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के पुनर्वास की है जो बाढ़ की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए। हालांकि इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर जल शक्ति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ने भी प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद पहुंचाने गए। लोगों को फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए मदद को लेकर जिला प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव कोशिश की है। इसको लेकर मंडलायुक्त ने समीक्षा बैठक में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया और संबंधित लोगों को निर्देश भी दिए थे। गाजीपुर में रेलवे टिकट के अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए टीम एक्टिव हो गई है। प्रभारी नरेश कुमार मीणा और सिटी स्टेशन आरपीएफ प्रभारी उदय राज से साथ मिलकर कार्रवाई की गई। संयुक्त टीमों ने छापेमारी करते हुए टिकटों का अवैध कारोबार करने वाले शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिरों के पास से टीम ने लैपटॉप, प्रिंटर और मोबाइल को बरामद किया है। साथ ही करीब 34,000 रुपए कैश को भी बरामद किया गया है। प्रभारी नरेश कुमार मीणा ने बताया कि रेल के अवैध टिकट बेचने की शिकायत काफी दिनों से मिल रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गाजीपुर, वाराणसी और इहार की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए आरोपी को जेल भिजवा दिया है। राजधानी लखनऊ में पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे के द्वारा लिखी गई 75 साल बदलते भारत की कहानी पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में उन्होंने कोरोना काल में 75 सालों में बदलते भारत की कहानी को विस्तार से लिखा। इस अवसर पर चंद्रभूषण पांडे ने बताया कि उनके द्वारा लिखित इस पुस्तक में सैकड़ों ज्वलंत मुद्दों पर सवाल उठाए गए। पांडे ने अपनी पुस्तक में कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन यदि कांग्रेस में सोनिया नेतृत्व समाप्त हो जाए तो देश में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी भारी बारिश के बाद सिद्धार्थनगर में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में बहने वाली दो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे उसका व जोगिया ब्लॉक क्षेत्र में हजारों बीघे की खेत पानी में बर्बाद हो गए। गांव के किनारे तक नदियों का पानी पहुंच चुका है, जिससे कई क्षेत्रों में स्थिति खेत खलियान, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासनिक मदद अभी तक नहीं पहुंची है। प्रभावित इलाकों में ग्रामीण शासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जोगिया ब्लॉक का संगलदीप गाँव टापू बन चुका है। राप्ती नदी का पानी इस गाँव के चारों ओर फैल चुका है, जिससे यहाँ के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग नाव के सहारे बाहर जाकर अपनी
जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। चारों ओर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस गांव के लोगों का कहना है कि सरकार अगर अमरिया गांव से एक बंधा या पुल गांव के लिए बना दे तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। यहां पर सर हर साल बाढ़ आती है और चारों तरफ से नदी ही नदी है हमारे यहाँ। जब बाढ़ आती है तो सब पूरा खेती मतलब डूब जाता है और जो भी मतलब किसान खेती किए हैं सब मतलब डूब जाता है पानी में और सबकी मतलब फसल बर्बाद हो जाती है और कोई भी यहाँ पर सुनवाई और कार्रवाई मतलब कोई भी अधिकारी कुछ। सहारनपुर के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप सामने आया है। स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद छात्रा ने परिजनों को शिकायत की, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थाने पर जाकर प्रदर्शन करते हुए स्कूल संचालक के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी राजेश कुमार ने स्कूली छात्रा को परिजनों को आश्वासन देते हुए परिजनों की एप्लीकेशन लेकर छात्रा का मेडिकल कराकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पूरे मामले में एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सर्जन ने मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करनी चाहिए और एल्पाइन स्कूल है उसका चौक में दरद चौक में और ने मेरी लड़की के साथ जुमेरात वाले दिन गलत हरकत करनी चाहिए कोशिश करी उसके साथ और जो है लड़की बहुत परेशान थी जुमेरात से मतलब उसको बुखार भी चढ़ गया। हमने उससे कल उससे बहुत कोशिश से पूछा ना बेटे क्या बात हो गई ना पापा मैं उस स्कूल में नहीं जाऊँगी अब। मैंने बेटे बता दो हमने कल ही उससे ये बात पूछी ना सर कल उसने हमें ये बात बताई कि प्रिंसिपल ने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत करी। मैंने बेटे पहले क्यों नहीं बताया कि पापा मुझे डर लग रहा था क्या पता क्या बात है क्या नहीं और जो है इस वजह से मैंने आज आप से ये बता रही हूँ। मैंने बेटे पहले भी कभी तेरे साथ नहीं नहीं कल ही उसने मेरे साथ ये हरकत करी जो मैं रात वाले दिन और एक पेरेंट ने आके यहाँ कंप्लेन दिया है कि उसकी बच्ची यहीं थाना जनकपुरी क्षेत्र में स्थित अल्पाइन स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ती है और जिसके साथ उस स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ गलत हरकत की है कुछ बैड टच की बात बता रही है उसकी बच्ची उसको उसमें उसका कंप्लेन ले लिया गया है उसमें FIR दर्ज की जा रही है और जांच के बाद और जो साक्ष्य इकट्ठा करके। एक तरफ मानसूनी बारिश की वजह से शहर शहर में सड़कों पर काफी पानी भर जा रहा है और सड़कों पर पानी भरने की वजह से दुकानदारों को काफी परेशानियां हो रही। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है इसलिए दुकानदारों को और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। यही हाल फरीदाबाद में भी दुकानों का देखने को मिला। दुकानदार ने कहा कि पहले तो लॉकडाउन की मार ने दुकानदार को परेशान कर रखा था, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी की वजह से लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, खरीदारी भी कम हो रही है तो मार्केट भी खाली हो गई है। दुकानदारों ने चिंता जताते हुए कहा कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार फीके ही नजर आ रहे हैं। कि आपने खुद भी देखा है मौके पे रक्षाबंधन का त्यौहार बुरी तरह पिटा हुआ है। पहले व्यापारी कोरोना काल से मरा हुआ था, अब ये जो थोड़ी बहुत कसर थी उम्मीद थी कि जाके कस्टमर निकलेगा वो बरसात होनी दो दिन से शुरू है इसलिए आपके सामने है बाजार में कहीं कस्टमर नहीं है। रक्षाबंधन वाले जो राखी बेचते हैं उनका भी ऐसा हाल है। इस बार अपने जो लागत लगाई है वही कमा लें तो वो बहुत बड़ी बात है। होलसेल का काम जो होलसेलर्स हैं जो में से छोटे छोटे रिटेलर्स माल रहते हैं अभी उन्होंने तो ले लिया है, बट रिटेल शॉप पे अभी कस्टमर नहीं है क्योंकि बारिश कल से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है तो उस वजह से काम पर फर्क पड़ा है। जगह जगह पानी भरा पड़ा है तो अभी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, आसपास की दुकानों से वो दुकान। पूरे प्रदेश की तरफ सुल्तानपुर में भी मिशन शक्ति फेज 3 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों में अच्छा कार्य करने वाली 75 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज से 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए जाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है कहा। उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य भी यही है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए।
पुलिस अपने कार्य में बिल्कुल 100% खरे उतरने का पूरा प्रयास करती है और योगी जी का निर्देश भी है, हम सभी साथ में मिल करके ये कार्य करते हैं और जैसे कोई घटना हो जाती है हम उसको तो नहीं रोक पाते हैं क्योंकि हर जगह सब नहीं खड़े रह पाते, लेकिन उसके तत्काल बाद त्वरित कार्यवाही होती है और जहां कार्यवाही में ज़रा भी विलम्ब होता है हम बातचीत करके वहां पहुंच करके और पुलिस को बीच में ला करके उनके माध्यम से उनको जानकारी दे करके उसका निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। आज मिशन शक्ति का फेज 3 का शुभारम्भ हम लोगों ने किया है। ये कार्यक्रम आज 21 तारीख से शुरू होके और 31 दिसंबर तक फेज 3 संचालित किया जाएगा। फेज 3 की जो थीम है इसके अंदर 10 विभागों के हम लोगों ने 75 पार्टिसिपेंट्स को आज सम्मानित किया है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है अपनी फील्ड में, कोरोना में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम की बेसिक थीम जो है वो स्वावलंबन और महिलाओं को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, साथ ही साथ जितने आपराधिक मामले यदि हैं कोई तो उनका त्वरित निस्तारण करवाना, DPICDS के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से। रायबरेली में इन दिनों कुदरत भी कहर ढाने से नहीं चूक रही है। सलोन कोतवाली क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई। मदद के लिए लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया लेकिन मौके पर मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। सर यहां घटना हुई कि यहां वो ऊपर से चीरी गिरी है 8:30 बजे, लड़की यहां पानी भरने आई है हाथ धोने के लिए, इसलिए यहां पर चीरी गिरी है। हम लोग तो बिल्कुल अंधेरे में हो गए हैं और लड़की जब अंधेरा ख़त्म भया तो लड़के को देखा तो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। उसके बाद उसको उठाया गया, देखा तो उसके पूरे तन बदर थे, खून से तर थी, तो उसको फिर सारे रोने लगे, चिल्लाने लगे। क्या आपने इलाज कराया लड़की का? लड़की का इलाज कराया आपने? हाँ सर, रात में लगे। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में घूसखोर लेखपाल का ऑडियो वायरल हो रहा है। घूसखोर लेखपाल के खिलाफ पीड़िता के साथ साथ ग्रामीणों ने DM के एक्शन लेने के लिए मांग की है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। बता दें कि सदर तहसील में तैनात घूसखोर लेखपाल राजेंद्र सिंह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में लाभ देने के एवज में पैसों की वसूली कर रहा था। दिक्कत ये है कि हमको घर बनाने नहीं देते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दूसरे के यहाँ सामान रखे हैं और 2-3 पीढ़ी बीत गई हैं, उसमें जो पहले रहते थे सब लोग अब बना गिरा के बना रहे तो बनाने नहीं देते। कौन नहीं बनाने देता? लेखपाल रोक लगा रहा है। क्या कहते हैं? 10-15 हज़ार मांग रहा है, हम गरीब लोग कहाँ से पैसा दें अगर इनको। बुलंदशहर के मोहल्ला नंदपुरी नई बस्ती में एक व्यक्ति ने अपनी 4 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी की हत्या कर आरोपी अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। आनन-फानन में पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। SSP ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को भी हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को जानकारी दी। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दानिश ने जुर्म कबूल कर लिया। बीती रात पति जो है, पत्नी के बीच में एक झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, मारपीट हुई। पत्नी नाराज होकर के रात में चली गई। जब अभियुक्त दानिश, जिसका नाम है, वो सोकर उठा तो देखा कि रात में ही 3 बजे के आसपास कि पत्नी गई है, मौके पे नहीं है। उसने फ़ोन मिला करके उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने प्रेमी सरताज से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। इसी बीच वो छोटा बच्चा जग गया और चिल्लाने लगा। इसी बात पे गुस्से में आकर के उस बस्ती में आए दिन अंधविश्वास की बातें सामने निकल कर आती हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहां अंधविश्वास के मामले को लेकर हुए विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस ग्रामीणों पर रौब दिखाने की कोशिश की। इतने में ग्रामीण आक्रोशित होकर पुलिस पर हमला बोलते हुए ग्रामीणों में तोड़फोड़ की और विवाद के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की पिटाई भी ग्रामीणों ने की। पूरे मामले पर सफाई देते हुए ग्रामीणों का कहना है कि घटना की सूचना हमारे द्वारा दी गई थी। सूचना पर आई डायल 112 की टीम ने हमारे ही परिजनों को गाली देना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों ने भी पुलिसकर्मियों की पिटाई की। ग्रामीणों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। घटना के बावत अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि एक विवाद की सूचना पर डायल 112 की टीम, दोनों पक्षों के विवाद को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके दौरान ग्रामीण पुलिसकर्मियों से झुलस गए।
ऐसे सब लोग आए थे, हम लोग मैंने ऐसे खड़े थे, हमारे हस्बैंड फोन किए थे, हम बात कर रहे थे, बस हमारे भाई वीडियो बना रहे थे, हमारी माँ को गाली दे दी और इनका घर पूछे तो हमारी माँ कहीं मुझे नहीं पता, बस गाली देने लगे तो हमारा भाई बोला मत हमारी मातारी को गाली मत दो, बस इतने में वो कॉलर पकड़ लिए, बस कौन कॉलर पकड़ लिया, तो वही जो आए थे पुलिस लोग चारों तीनों लोग तो कॉलर पकड़ लिए, तो हम बोले कि साहब ये ठीक नहीं है, कॉलर छोड़ दीजिए, यही है कानून का नियम, बस उसके बाद दो थप्पड़ हमारी माँ को मार दिए, उसके बाद में फिर हमें भी हम पीछे से मेरा बाल भी पकड़ लिए, मेरे गले का कान का भी पता नहीं कहाँ खो गया, वो मिल नहीं रहा है साहब बताइए हम ही। वहाँ पर जब हमारी टीम पहुँची तो देखा कि दो बच्चे वीरेंद्र यादव और उनके विपक्षी में आपस में मारपीट हो रही, जिसमें बच्चे औरतें और पुरुष भी शामिल थे। इस पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों के मध्य बीच बचाव का प्रयास किया गया और उनको रोकने की कोशिश की गई। इस क्रम में वहाँ की जो पार्टी थी अभियुक्त थे वो पुलिस पक्ष से भी भिड़ गए और उनके साथ भी बदतमीजी की और कुछ मारपीट करने का प्रयास किया। इस क्रम में उनके द्वारा पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर भी चलाए गए, जिसमें पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे। इसके पश्चात पुलिस टीम ने जो है दोनों पक्षों को भी खबर अररिया से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध समाज की गोष्ठी सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। यहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी शामिल हुए। इस दौरान मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता का स्वागत किया गया। विचार गोष्ठी में सतीश चंद्र मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हो या कोई और सरकार, हमेशा प्रबुद्ध वर्ग और स्वर्णों को वोट बैंक के नाम पर छलावा देती रही है। देखिए, ये प्रबुद्ध समाज की हमारी गोष्ठी थी, आज 37वां जिला था, हम लोग कल 36 जिले कर चुके थे, आज 37 जिले हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से और इटावा 38वां जिला होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का जो जुल्म जाति और ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज दलित समाज के ऊपर चल रही है, इसका हम लोग पूरा पूरा इनका खुलासा करने जा रहे हैं। और जो ये धर्म के नाम पे झूठे प्रचार करके और राम के नाम पे और वाराणसी में भगवान शिव के नाम पे कर रहे हैं, उसका भी हम उनका खुलासा करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने जिस तरीके से लोगों को धोखे में रखा है, लोग समाज साथ में जुड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में जुड़ रहे हैं, हर जिले में हम जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे साथ में आपकी जब सरकार थी तो बहुत क्राइम कंट्रोल में था। देखिए, जब हमारी सरकार थी तो हमने कहा ना कि वहाँ पर कानून द्वारा कानून का राज चलता था। बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, वहाँ किसी को बख्शा नहीं आता था। जब हमने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही नहीं बख्शा, उसको घर में बुला के बहन मायावती ने जेल भेजा था। कानून 22 में क्या तैयारी है? 22 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अपने दम पे बनाने जा रहे हैं, अकेले बनाने जा रहे हैं, किसी के साथ मिलके नहीं लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, जो यहाँ की जनता है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उसी को मिला करके लड़ने काम कर रहे हैं। और पूर्ण लखीमपुर खीरी के मितौली सभागार में बहराइच की विधायक बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के साथ कई नेता अहम बैठक में शामिल हुए। बैठक के प्रारंभ में भाजपा के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सौरभ सिंह सोनू ने कहा कि जनता के हित में हमेशा ईमानदारी से काम करता रहूंगा। इसी के साथ उन्होंने शहर के विकास के लिए भी कई बातें कही। ताजनगरी आगरा में पुलिस की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। दरअसल दो पक्षों में हुए झगड़े में एक पक्ष को पुलिस ने थर्ड डिग्री दी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी पुलिस वालों ने रहम नहीं किया। पूरे मामले में पीड़ितों की बात को सुनते हुए एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए और दोषी लोगों को जांच के तहत कड़ी सजा देने की बात भी कही है। पुलिस ने जाकर के कमरे में बंद करके और रात के 12 बजे इतनी भयंकर पिटाई लगाई हमारे लड़के के, जो के उसने हाथ भी जोड़े पैर भी जोड़े, उसकी तारीफ फोड़ दी कान। अब हम परेशान होकर कप्तान साहब के पास आए तो कप्तान साहब ने ताजनगरी आगरा के थाना शमसाबाद क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है। थाना क्षेत्र में हुई पूर्व में चोरी की वारदातों का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी है। मेहरमपुर रामपुर गाँव में चोरों ने एक घर को निशाना बना लिया। मौके पर चोरों को
भागता देख ग्रामीणों ने चोरों की घेराबंदी कर ली। ग्रामीणों ने घेराबंदी करके तीन चोरों को दबोच लिया, लेकिन एक चोर चोरी का सामान लेकर फरार हो गया। पीड़ित किसान ने इलाके में पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए तीनों चोरों को पूछताछ के लिए थाने ले गई और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मुरादाबाद में आज शासन द्वारा दिए गए आदेश के बाद चाइनीज मांझे की तलाश में नगर मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के साथ पतंगबाजी का सामान को भी चेक किया गया। सभी दुकानों पर चाइनीज मांझे की तलाश की गई। उसके साथ ही पतंगबाजी का सामान बेचने वाले दुकानदारों के नाम को नोट कर उन्हें हिदायत दी गई है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल इस बार ना किया जाए और उसे ना बेचा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जो चाइनीज़ मांझा है, सिंथेटिक मांझा है, उसके इस्तेमाल से कई प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई हैं। जनपद के अतिरिक्त भी इस तरह की कुछ छोटी मोटी घटनाएं हम लोगों को सुनने मिलती हैं। तो इसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशित क्रम में पुलिस और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान हम लोगों ने किया है। थाना नागपनी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक 4 दुकानें हम लोगों ने चेक की हैं और हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कहीं किसी दुकान पर सिंथेटिक धागा। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।